नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू बायो बायोलॉजी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम लोग करेंगे थर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं सो so, वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सरप्राइज है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज What is one of the which one of the following is an exclusive characteristic of living thing? Though is option here, perception of events happening in the environment and the memory. B, increase in mass and accumulation of material both on surface as well as internally. Isolated metabolic reactions occur in vitro. Increase in mass. फ्राम इनसाइड ओनली सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वॉर्मेंट एंड दियर मेमरी और ये नीट में दो टू थाउजेंड एलेवन में पूछा गया था सी बी एस ई पी एम टी हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है द लेवल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन हर्बेरियम शीट ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता है ऑप्शनस आर हाइट ऑफ अ प्लांट डेट ऑफ अ कलेक्शन नेम ऑफ कलेक्टर लोकल नेम सो इसका आंसर होगा हाइट ऑफ प्लांट इसका आंसर है ए हमारा थर्ड क्वेश्चन है हु अमंग्स द फॉलविंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्जोनॉमी फादर ऑफ टैक्जोनॉमी किसे कहा जाता है तो ऑप्शन है तख्ताजन लीनियस बेंथामैन हुकर थियोफासटिस सो द ऑप्शन इज बी लीनियस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बेंथम एंड हुकर बेंथम और हुकर पब्लिश दी ए वेल नोन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इन जेनरा प्लांटेरम 1862 टू 1883 ओके बी थीफ्रास्टस इन्होंने एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम था दी हिस्टोरिया प्लान्टरम इसमें उन्होंने फाइव हंड्रेड ऑफ प्लांट बताया था और उस प्लांट को चार ग्रुप्स में डिवाइड किया था अब हमारा सी है अर्मिन तजाकथान तजाक तकताजन नाइनटीन इन्होंने पब्लिश किया था क्लासिफिकेशन इन बोटानिकल रिव्यू ही पब्लिश्ड है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन बॉटानिकल रिव्यू Okay so our fourth question is a person who studies about the origin evolution and variation in plant and also about the classification of plant is called as so the options are classical taxonomist herbal taxonomist alpha taxonomist beta taxonomist so the correct answer is a classical taxonomist fifth question a group of plant with similar traits of any rank is ये नीट में 1990, 92, 93, 1996, 1997, थ्री नाइनटीन नाइन्टी सेवन ए में आ चुका है सो so, इसका ऑप्शन है स्पेशीज जीनस ऑर्डर टैक्जॉन तो इसका आंसर है डी टैक्जोन सो आर सिक्स क्वेश्चन इज हु हु डिड डिड हुपोज नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट लीनियस जॉन हचिंगसन बेंथम एन हूकर टीपो सो द आंसर इज सी बेंथम हुकर, ये यह एन सी आर टी सी सी पी एम टी नाइनटीन नाइन्टी टू टू थाउजेंड नाइन एंड टू थाउजेंड फोर में आ चुका है तो आर सेवेंथ क्वेश्चन इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय बेबल सानी विटेकर एरिस्टोटल ऑसवर्ल्ड टीपो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ विटाकर ऑप्शन बी Our eighth question is The non nucleated unicellular organism of Whitaker's 1969 classification are included in Kingdom Protista, Monera, and Emilia Plantae. So the correct answer is B, Monera. Ninth question. The term new systematic was introduced in 1940 by Adolf Engler, Carl Plantin, George Bentham, Julian Huxley. The answer is D. Julian Huxley. Our tenth question. The third name of trinomial nomenclature is of subgenus, subspecies, species type. So the answer is subspecies. Option B. क्वेश्चन इलेवेंथ फर्स्ट एक्ट इन टोनॉमी इज डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन नेमिंग क्लासिफिकेशन, 2002 टू का क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है बी आईडेंटिफिकेशन फाइव किंगडम एंड क्लेमाइडोमोनासन हैज बीन इंक्लूडेड इन प्रोटीस्टा एल्गी प्लांटे मोनेरा ऑप्शन ए प्रोटीस्टा इज द करेक्ट आंसर और ये पी एम टी टू थाउजेंड ट्वेल्व में पूछा गया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टीन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन ऑर्डर एंड एनसेस्ट्री इज नोन एज नेचुरल सिस्टम एनोलॉगस सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम होमोलॉगस सिस्टम सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑप्शन सी सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फोर्टीन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैमिकल कॉन्स्टिक्वेंस फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो नाइनटीन नाइन्टी फोर टू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड नाइन पी वी पी एम टी टू थाउजेंड और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका आंसर है ए इ्यूशनरी रिलेशनशिप नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टींथ अ कपलेट इन अ की स्टेटमेंट इन इन द की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन द पेयर रिजेक्शन ऑफ स्टेटमेंट नन ऑफ दीज सो इसका आंसर है बी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन द पेयर सो अवर सिक्सटींथ क्वेश्चन आ डिफर्स फ्राम टैक्जोन ड्यू टू ये डी यू एम ई टी टू थाउजेंड टेन में पूछा गया है सो द ऑप्शन आर दिस बींग हायर टैक्जोनॉमिक कैटेगरी दैन टैक्जॉन बी दिस बींग लोअर टेक्जोनॉमिक कैटेगरी देन टैक्जॉन सी दिस बींग द प्लूरल ऑफ टैक्जॉन डी दिस बींग द सिंगुलर ऑफ टैक्जॉन सो द ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज सी दिस बींग द प्लूरल ऑफ टैक्जॉन अब हम लोग चलते हैं मैच द फॉलोइंग में तो पहले हम कॉमन नेम और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑर्डर को हम लोग को मैच करना है और ये पी 2010 टी में पूछा जा चुका है सो so, हम लोग वीट में वीट को कि, किससे मैच करेंगे तो हम लोग वीट को पोएल्स से मैच करेंगे क्योंकि इसका ऑर्डर में पोयल्स आता है तो हम लोग यहाँ पे फोर लिख लेते हैं अब हम लोग मैंगो को किससे मैच करेंगे मैंगो को हम लोग सेपेंडेल से मैच करेंगे तो बी का होगा थ्री ओके okay? अब हम लोग देखते हैं हाउस फ्लाई को हम लोग किससे मैच करेंगे हाउस फ्लाई का ऑर्डर होता है डिप्टेरा तो हम लोग सी को टू से मैच करेंगे और अब बचा डी और वन तो मैन मैन का ऑर्डर होता है प्लीमाटा तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं वन तो हम लोग यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि ए का क्या है ए का है फोर बी का है थ्री सी का है टू और डी का है वन तो अब देखते हैं मैच किससे करता है तो अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ तो ऑप्शन में है ए वन बी टू सी फोर डी थ्री बी का है ए फोर बी थ्री सी टू डी वन और ये वाला जो हम लोगों ने आंसर लिखा है वो बी से मैच कर रहा है तो बी होगा सही ऑप्शन तो आंसर भी देख लेते हैं तो भी ही है हमारा सही ऑप्शन तो चलिए नेक्स्ट भी हमारा मैच द फॉलोइंग ही है सी वन को सी टू से मैच करवाना है तो जॉन रे जॉन रे ने क्या किया था अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स फिर फर्स्ट डिस्क्राइब द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन फादर ऑफ़ जूलॉजी इंट्रोड्यूसड नोमक्लेचर तो हम लोग को लगता है कि ये फर्स्ट डिस्क्राइब एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इसका आंसर होगा तो so, हम लोग इसको लिख लेते हैं ए का टू अब लीनियस लीनियस ने क्या किया था गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टेमेटिक फादर ऑफ़ जुलॉजी इंट्रोड्यूस्ड नोमिनक्लेचर तो लीनियस ने नोम क्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था तो so, यहाँ लिख देते हैं हम लोग फोर तो बी का होगा फोर अब हम लोग देखते हैं एलिस्टोटल के बारे में तो एलिस्टोटल क्या थे गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टेमेटिक बिल्कुल नहीं फादर ऑफ जूलॉजी तो सी का होगा थ्री तो अब हम लोग देखते हैं जूलियन हक्सली तो जूलियन हक्सली में हो जाएगा उन्होंने न्यू सिस्टेमेटिक का कॉन्सेप्ट दिया था सो so, इसमें होगा वन तो ऑप्शन में हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे ए का टू बी का फोर सी का थ्री और डी का वन है लेकिन तब भी देख लेते हो सकता कोई और भी हो A का वन बिल्कुल नहीं बी का टू सी थ्री बिल्कुल भी नहीं A4 B2 C3 D4 A2 B3 C1 D4 A2 B4 C3 D1 तो so, ऑप्शन D इज द इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 19 डैश आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेशीज फाउंड इन एन एरिया ऑप्शंस आर फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ कैटेलॉग्स तो इसका आंसर होगा डी कैटेलॉग और ये नीट पी एम टी टू थाउजेंड इलेवन फोर्टीन नाइनटीन एटी नाइनटीन एट और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ऑप्शन है अब है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नोमन क्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ नोम क्लेचर द फर्स्ट वर्ड इन दिन इन अयोलॉजिकल नेम रिप्रजेंट जीनस बी द नेम रिटन इन लैटिन एंड आर इटालिकाइज्ड वैन रिटर्न बाई हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइंड सो ये तीनों ऑप्शन बहुत वो सही हैं फोर्थ बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटर्न एनी लैंग्वेज अगर हम लोग बी को देखते हैं तो बी में इसमें लिखा है कि द नेम रिटन इन लैटिन एंड आर इटालिकाइज्ड इसमें ये रूल दिया हुआ है तो हम लोग किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी Okay, so our next question, next question number twenty-one. The famous botanical garden of Kew is located in options are England, Africa, India, China. So the correct option is A England. Question twenty two. What is the name of book written by Aristotle? Historia animalium? Historia naturale? सिस्टेमा नेचुरली फिलोसफिक जोलॉजिक सो द आंसर इज ए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री द कॉमन कैरेक्टर इज टेक बिटवीन टोमैटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ द एयर फैमिली ऑर्डर डिविजन जीनस ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन टू थाउजेंड फोर्टीन और टू थाउजेंड सेवेंटीन में पूछा गया था और इसका आंसर है ए फैमली क्वेश्चन ट्वेंटी फोर फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन पी एम टी टू थाउजेंड फोर वेस्ट बेंगाल जे ई ई टू थाउजेंड सिक्सटीन में पूछा गया है और इसके ऑप्शन है डेंडोग्राम

93 थ्री केरला 2010 में रिपीट हुआ है सो द आंसर इज लीनियस ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन 27 फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन बाय इंग्लैंड एंड प्लांटल प्लान्टीनी जॉन रे आर एच विटेकर सो द आंसर इज इंग्लैंड एंड प्लांटल